और वन ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू ये हमारे पास टोटल क्या बन गया एस पी ना द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नो दैट द पर वन माइनस एक्स पावर टू इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीवेरिएट नॉर्मल विद मीन वन म्यू वन माइनस म्यू टू एंड दिस इज द वेरिएंस वेरियंस मैट्रिक्स और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है टेस्ट के लिए आपके पास क्या है एफ कंडीशन एफ म्यू वन इक्वल टू म्यू टू किसके लिए किया टू सैंपल के लिए हमने किया और किसके लिए किया टू साइडेड टेस्ट कर रहे हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज ट्रू फॉर डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो क्या होगा ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हो गया टी स्क्वायर दिस इज द टू सैंपल हम चेक कर रहे हैं टू सैंपल होलिंग टी स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है अब हम आप, आपको पता है कि हमने उस पर कंक्लूजन देना है कंक्लूजन के लिए रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट तो हमारे पास दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू यहां पे आप ये क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करोगे और यू नो दैट द टी दिच इज इक्वल्स टू द एफ एफ और f, हमारे पास दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ इट इज वन साइडेड सो अल्फा एफ अल्फा होगा और इफ इट इज टू साइडेड देन हम अल्फा बाय टू यूज करेंगे एंड रिजेक्ट इज नॉट अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं एंड द रिजेक्ट इज नॉट इफ टी स्क्यूटिकल्यू है बाद में लिख लिया और ये मल्टीप्लाई हो रही है एफ से उसको हमने पहले लिखा है तो आप ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हो इस तरह भी करो दोनों से आंसर तो सेम है आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं है बट दंडीशन क्या है कि हम रिजेक्ट करेंगे Statistic which is greater than the table value or the critical value. So we reject H naught.